दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया एंशिएंट ग्रीक से मिलता है, लेकिन 1957 में इसे क्रेडिबिलिटी मिली जब ह्यू एवरेट ने मल्टीवर्स थ्योरी दी, जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड के इनफाइनाइट वर्जन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। यहां से लोगों को अंदाजा हुआ कि वो धरती के अलग अलग वर्जन्स में किसी वर्म होल के थ्रू जा सकते हैं, या मैट्रिक्स में हुई ग्लिच के कारण ऐसा होना संभव है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि लोग पहले से ही ऐसा करते आए हैं। यह 2021 एक शाम यूएसए में रहने वाले सेठ पोयल ने अपनी माँ से डिनर के बारे में पूछा। उनकी माँ ने कहा कि डिनर में अभी थोड़ा टाइम है। सेठ को काफी भूख लगी थी। उसने अपनी माँ से कहा कि डिनर रेडी होते ही वो उसे बुला लें। इसके बाद वो अपने रूम में चला गया और चॉकलेट खाने लगा। 15 मिनट्स के बाद सेठ को अचानक ड्राउजीनेस महसूस होने लगी। उसने सोचा वो एक पावर नैप लेकर फिर डिनर के लिए चला जाएगा। सेठ बेड पर लेटा और सो गया। कुछ ही देर के बाद सेठ की मॉम ने उसे डिनर के लिए आवाज दी और सेठ नीचे डाइनिंग रूम पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि अचानक घर का तापमान काफी बदल चुका है। इस चेंज को इग्नोर करके वो डाइनिंग टेबल तक पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि सभी फैमिली मेंबर्स एकदम साइलेंट हैं। एटमॉस्फेयर काफी टेंस और साइलेंट था, यहां तक कि उसका छोटा भाई भी साइलेंट बैठा हुआ था, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। टेलीविजन पर न्यूज आ रही थी, लेकिन उसमें COVID-19 के अपडेट्स नहीं थे। पूरा बुलेटिन खत्म होने के बावजूद जब कोविड की न्यूज नहीं आई तो सेठ ने अपनी माँ से पूछा। सेठ की माँ ने यह नाम पहली बार सुना था। उन्होंने सेठ से कहा कि कैसा कोविड वायरस, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सेठ को यह काफी अजीब लगा। डिनर के बाद वो अपने रूम में चला गया। वहां टेबल पर पूरी चॉकलेट बार रखी हुई थी जो उसने सोने से पहले ही खा ली थी। सेठ को लगने लगा कहीं ये कोई अजीब सपना तो नहीं है। उसे लगा कि एक और नैप लेकर शायद वो इस सपने से बाहर आ सकेगा। सेठ ने ऐसा ही किया और एक नैप लेने के बाद जब वो उठा तापमान सामान्य हो चुका था। सेठ ने देखा कि चॉकलेट बार आधे से ज्यादा खत्म थी। फिर वो डाइनिंग रूम तक पहुंचा तो सेठ की माँ टीवी पर कोरोना अपडेट्स देख रही थी और साथ ही डिनर के लिए सेठ का इंतजार कर रही थी। सेठ ने माँ से कहा कि उसने कुछ ही देर पहले तो डिनर किया था, लेकिन सेठ की माँ ने बताया कि वो अपने रूम के बाहर आया ही नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि सेठ का पेट भरा हुआ था। सेठ का कहना था कि वो कोई सपना नहीं हो सकता था, ना ही पेट भरने की वो फीलिंग कोई भ्रम था। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स की घटनाएं सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होती, बल्कि कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स किसी दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा 1991 में हुआ था। उस दौरान डेविड लेडबेटर नाम का एक डायमंड मर्चेंट था जिसने दुनिया भर से तरह तरह के कीमती जेमस्टोन्स कलेक्ट किए थे। 1991 में वो सीरिया के ट्रिप पर थे जहां उनकी मुलाकात जोसेफ मोमो से हुई जो उस दौरान वहां प्रेसिडेंट थे। डेविड को उनसे पता चला कि एक खास विलेज में अजीबोगरीब स्टोन्स पाए गए हैं, लेकिन उस गांव तक पहुंचना आसान बात नहीं थी। वो जंगल के काफी अंदर मौजूद था जहां जाने के लिए कुछ हफ्तों के ट्रैक की जरूरत थी। डेविड मेहनत करके वहां तक पहुंचे और स्टोन को ढूंढने लगे जिसका कलर उन्हें ब्लू बताया गया था। डेविड को जल्द ही वो स्टोन मिल गया जिसे उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, जबकि वो जेम स्टोन्स के एक्सपर्ट थे। डेविड के पास मिनरल लाइसेंस था, इसलिए वो तुरंत ही उसे यूएसए लाने में कामयाब भी हो गए। अब वो इसे टेस्टिंग के लिए भेजकर चेक करवाना चाहते थे कि आखिर स्टोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने दिसंबर में उस स्टोन को जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में भेज दिया। डेविड ने उस स्टोन का नाम द स्काई स्टोन रखा था। स्टोन की टेस्टिंग 15 महीनों तक चली और डेविड को बस इतना ही पता था कि ये स्टोन अनडिटरमाइंड ओरिजिन का है। लोग मानते थे या तो ये स्टोन किसी एस्ट्रॉइड से आया है या फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड से, क्योंकि धरती में ये स्टोन नहीं पाया जाता।
लेकिन डेविड के स्टोन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 90s के बाद तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए। लगभग 27 सालों तक इसकी जांच चलती रही। स्टोन में कैल्शियम और सिलिका तो थे ही, जो अर्थ में पाए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि ये स्टोन 77% ऑक्सीजन से बना हुआ था। एक तो इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर काफी शॉकिंग था, साथ ही ये डायमंड से भी ज्यादा हार्ड था। इतना ही नहीं, इस स्टोन के कंपोनेंट्स को किसी भी तरह मिक्स किया जाए, ब्लू कलर नहीं बनता, लेकिन स्टोन का कलर स्काई ब्लू था। सियर्ना लियोन के नेटिव लोगों ने इन स्टोन्स को हमेशा से ही देखा था। उनका मानना था कि फॉलन एंजल्स जब धरती पर आए थे, तब आसमान से ये टुकड़े नीचे गिरे थे। अब एक ही टेस्ट करना बाकी था, इस स्टोन के छोटे से टुकड़े को ग्राइंड करके उसे हेक्से और एसिटिलीन में मिक्स करके टेस्टिंग की गई। टेस्ट में पता चला कि स्टोन में एक और कंपाउंड मिक्स था, जो लगभग 55,000 साल पुराना था। अब लोगों के पास इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन था कि ये स्टोन पैरेलल यूनिवर्स में फॉर्म हुआ है और किसी तरह समय और आयामों की सीमाओं को तोड़कर धरती पर आ पहुंचा था। अब ये स्टोन सिर्फ सीरिया लियोन में इसीलिए पाए गए क्योंकि माना जाता है पास में इंटरडायमेंशनल शिफ्ट हुआ था और उसी स्पॉट पर डायमेंशनल ओवरलैप हुआ था। आज भी स्टोन की जांच चल रही है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ शायद किसी दिन इस स्टोन का पूरा राज हमारे सामने होगा। अगला किस्सा 30 वर्षीय लड़के का है, जो काफी डिप्रेसिंग है। जैक 5 वर्ष के थे जब अपने बर्थडे के दिन उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। ये घटना सैन डिएगो की है। एक साल सब कुछ ठीक था और जैक बेहद खुश थे। जैक अपने परिवार के साथ लेमन विंड अपार्टमेंट्स में रहते थे। उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, लेकिन उन दोनों ने खुशी से डाइवोर्स लिया था। जैक की माँ मॉडलिंग करती थी और वो अपने पिता के साथ रहते थे। क्रिसमस सेलिब्रेशंस में सब एक साथ समय बिताते थे। फिर एक दिन जैक अपने दादा दादी के पास रिवरसाइड कैलिफोर्निया रहने चले गए। वो फार्म स्टेट था जहाँ जैक के दादा चिकन्स और पिग्स रेस करते थे। जैक को वहाँ बहुत अच्छा लगता था। ये जैक का वहाँ तीसरा दिन था। घर में एक रैटल स्नेक आ गया। जब तक ग्रैंडपा उस तक पहुँच पाते, वो कहीं छुप गया था। जैक घंटों तक फार्म के पास मौजूद वुड्स में स्नेक को ढूंढते रहे। वो चाहते थे कि वो स्नेक को ढूंढकर अपने ग्रैंडपा को बताएंगे। फिर उन्होंने रोड के पास मौजूद इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोला और वो स्नेक वहाँ मौजूद था। अब वो एक्साइटमेंट से भर गए और अपने ग्रैंडपा को बताने के लिए घर के पास बैक डोर से एंटर हुए। किचन के थ्रू वो गुजरते रहे, लेकिन आसपास उनका ध्यान नहीं था। लेकिन जब वो लिविंग रूम में पहुंचे, वहां कोई नहीं था, बल्कि ये रूम भी एकदम अलग था। फर्नीचर से लेकर वॉल पेंट तक सब कुछ अलग हो चुका था। वॉल पर लगी हुई फैमिली मेंबर्स की फोटोज भी वहां से गायब थी। उनकी जगह कुछ पेंटिंग्स ने ले ली थी। जैक फ्रंट डोर से बाहर गए इस उम्मीद में कि शायद वो लोग चिकन्स या पिग्स के पास होंगे, लेकिन वहां ना ग्रैंड पेरेंट्स थे, ना ही चिकन्स और पिग्स। अब जैक शॉक थे। वो तुरंत अपने नेबर्स के घर की ओर भागे, जहां अक्सर उनके ग्रैंडपा जाते थे। लेकिन अब नेबर्स का भी घर बदल चुका था। जैक ने डोर नॉक किया और एक स्ट्रेंजर लेडी ने दरवाजा खोला और जैक जोर जोर से रोने लगे। वो किसी को नहीं पहचान रहे थे। वो वापस अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचे तो वहां कुछ और लोग मौजूद थे जो जैक को नहीं जानते थे। जैक ने उनसे मदद मांगी कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढने में मदद करें। उन लोगों ने पुलिस की मदद ली और जैक ने अगले 10 घंटे पुलिस स्टेशन में बिताए। फिर पुलिस ने जैक को उनके होम टाउन ले जाने का फैसला किया। जैक को अपने घर का नंबर याद था, लेकिन वहां फोन करने से कोई फायदा नहीं हुआ। वो व्यक्ति जैक को नहीं जानता था। अब पुलिस जैक के बताए गए एड्रेस पर पहुंची और वापस आकर उन्होंने बताया कि जिस एड्रेस में जैक ने लेमन विंड अपार्टमेंट्स के होने की बात की थी, वहां तो मैरिट मैनो अपार्टमेंट्स थे। पुलिस को लगा जैक को अच्छे से एड्रेस याद नहीं था, लेकिन जैक जानते थे कि उन्होंने सही एड्रेस बताया था। अब जैक ने खुद वहां जाने की जिद की तो पुलिस फाइनली उन्हें लेकर इस इलाके में पहुंची। जैक को सराउंडिंग एरिया जाना पहचाना लगा और उन्हें थोड़ी शांति मिली, लेकिन उनका घर अब बदल चुका था। उसका नाम
लेमन विंड की जगह मैरिट मैनर था, और जब जैक ने अंदर जाने की कोशिश की तो पता लगा कि वो अपार्टमेंट खाली है, वहां कोई नहीं रहता। आसपास रहने वाले सभी लोग जैक के लिए स्ट्रेंजर्स थे। अब जैक को घंटों तक पुलिस स्टेशन में ही बैठना पड़ा। एक सोशल वर्कर या डिटेक्टिव वुमन उनके साथ वहां मौजूद थी और जैक सिर्फ रो रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने जैक के स्कूल जाने का फैसला किया। जैक के अनुसार वो शॉनी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, जो उनके घर के बेहद करीब था, लेकिन वो स्कूल भी वहां मौजूद नहीं था। उसकी जगह वहां एंजा एलिमेंट्री स्कूल मौजूद था। पुलिस को लगा शायद जैक के सर में चोट लगी होगी, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, लेकिन वो एकदम ठीक थे। अब रात के समय पुलिस ने एक लेडी को जैक के साथ एक रूम में सोने के लिए भेजा, जहां जैक सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही वो उस लेडी से मिन्नतें करने लगे कि उन्हें घर जाना है। सारा दिन कभी पुलिसमैन, कभी साइकियाट्रिस्ट, कभी सोशल वर्कर्स, तो कभी चाइल्ड डिपार्टमेंट के लोग जैक से लगातार सवाल पूछते रहे। शाम को जैक की उम्मीद ताजा हुई, क्योंकि पुलिस ने कहा उनकी माँ मिल चुकी है। लेकिन जैसे ही वो लेडी पुलिस स्टेशन आई, जैक फिर रोने लगे। वो उनकी माँ नहीं थी। अब चाइल्ड डिपार्टमेंट के लोग जैक को ले गए, फिर एक फैमिली ने उन्हें गोद ले लिया और जैक उनके साथ रहने लगे। जैक की तस्वीर हर न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल में दिखाई जाने लगी, लेकिन जैसे कोई जैक को जानता ही नहीं था। जैक कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सके। वो हर रात उन्हें याद करके रोते हैं, और ये दुनिया उनकी दुनिया नहीं है। 24 साल की उम्र तक उन्होंने कॉलेज भी अटेंड नहीं किया था, क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। आज भी जैक इस दुनिया में इस तरह जीते हैं जैसे ये कोई बुरा सपना है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। ईयर 2019, यूनाइटेड किंगडम। टॉम एक मोबाइल शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। उनका मेन फोकस यूनिवर्सिटी स्टडीज में था, लेकिन मंडेस और थर्सडेस में वो मोबाइल शॉप अटेंड करते थे। मंडे के दिन शॉप काफी बिजी थी, तभी उनके पास ब्लैक लेदर जैकेट में एक कस्टमर आया। उसने टॉम से सैमसंग का फोन खरीदा और अपना पुराना टैबलेट एक्सचेंज किया। पेपर वर्क खत्म होते ही वो वहां से चला गया और टॉम दूसरे कस्टमर को अटेंड करने लगे। लेकिन वो कस्टमर तभी वापस लौट आया। टॉम ने उससे कहा, डेव, क्या कोई समस्या है? वो कस्टमर हैरान था कि टॉम को उसका नाम कैसे पता। टॉम ने बताया, अभी अभी उन्होंने उससे बात की और फोन का ट्रांजैक्शन किया था, लेकिन डेव का कहना था वो तो यहाँ पहली बार ही आया है। टॉम ने बिल बुक निकाली, लेकिन वहां भी डेव का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जबकि 5 मिनट पहले टॉम ने खुद उसमें एंट्री की थी। टॉम ने मैनेजर से बात की, लेकिन उसने भी फाइल को हाथ नहीं लगाया था। फिर वही ट्रांजैक्शन हुआ और डेव ने अपना टैबलेट एक्सचेंज करके सैमसंग फोन खरीदा। टॉम मैनेजर के पास गए और उसे पूरा किस्सा सुनाया। मैनेजर ने टॉम से कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर टॉम के होश उड़ गए, क्योंकि डेव सच में पहली बार उस शॉप में आया था, और उस दौरान टॉम ने डेव को नहीं बल्कि एक फैमिली को अटेंड किया था, जिसके बारे में टॉम के पास कोई मेमोरी नहीं थी। बिल बुक चेक करने पर साफ हो गया कि टॉम ने उसी फैमिली को फोन बेचा था। टॉम आज तक इंसिडेंट से हैरान और परेशान है। अब उन्हें लगता है कि कुछ मिनट्स के लिए वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में चले गए थे, जहां का समय हमारे यूनिवर्स से थोड़ा आगे चलता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।